हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड. फ्रेंड, आज हम डेली रूटीन पार्ट 5 डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि अभी तक जो हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उसका आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपने सभी सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में इनकलकुलेट कर चुके होंगे. सो लेट अस स्टार्ट डेली रूटीन पार्ट 4. फ्रेंड्स, यू आर टू डू वन थिंग, यू आर टू रिपीट आफ्टर मी. जो भी हम सेंटेंस अभी सीखेंगे आपको साथ के साथ में बोलना है और मेरे साथ उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है. सो लेट अस स्टार्ट डेली रूटीन पार्ट 5. नाउ लेट्स स्टार्ट डेली रूटीन पार्ट 5. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ आपको हमेशा उदास पाता हूँ. मैं जब भी वेन एवर मैं आपसे मिलता हूँ, आई मीट यू. वेन एवर आई मीट यू, आई ऑलवेज फाइंड यू अपसेट. इसी का बना सकते हैं हम लोग सेंटेंस. मैं जब भी आपसे मिलता हूँ हमेशा आपको बिजी पाता हूँ. वेन एवर आई मीट यू, आई ऑलवेज फाइंड यू बिजी. जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मैं हमेशा आपको हंसता हुआ पाता हूँ. वेन एवर आई मीट यू, आई ऑलवेज फाइंड यू लाफिंग. दिखावा मत करो. नेक्स्ट सेंटेंस है दिखावा मत करो. दिखावे के लिए पर्टिकुलर वर्ब होती है हमारी प्रटेंड करना. प्रटेंड इट मीन्स दिखावा करना. सो डोंट प्रटेंड, दिखावा मत करो, डोंट प्रटेंड. जिंदगी में कभी भी पीछे मत हटो. सो लाइफ में कभी भी पीछे मत हटो. बैक डाउन हम यूज करते हैं. बैक डाउन, बैक डाउन मतलब पीछे हटना. नेवर कभी भी नहीं, बैक डाउन पीछे हटो इन लाइफ. सो लाइफ में कभी पीछे मत हटो, नेवर बैक डाउन इन लाइफ. नेक्स्ट, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ. इसके लिए पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, एट योर सर्विस. सो सेंटेंस बोलेंगे आई एम ऑलवेज. मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज आ जाएगा. आई एम ऑलवेज हाजिर हूँ. मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ. आई एम ऑलवेज रेडी एट योर सर्विस. आई एम ऑलवेज रेडी एट योर सर्विस. मुझे अकेला छोड़ दो, लेट लीव मी अलोन. अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मुझे जाने दो, सेंटेंस बनेगा लेट मी गो. मुझे जाने दो, लेट मी गो. और मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन. लीव तो छोड़ना, मुझे मी अलोन अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो. मतलबी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश. मतलबी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश. घास से बचो. बचना कीप ऑफ यूज करते हैं हम लोग. किससे बचना? घास से. सो कीप ऑफ द ग्रास. घास से बचो, कीप ऑफ द ग्रास. अभी मत बैठो, हमें बहुत लंबा चलना है. अभी मत बैठो, हमें बहुत लंबा चलना है. सो डोंट सिट, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. डोंट सिट, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. जल्दी करो हरी अप, जल्दी करो हरी अप. वह मेरे दूर का रिश्तेदार है. दूर के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंट वर्ड हम यूज करेंगे. इट्स एन एडजेक्टिव. ओके, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे. और ये आपका एक नाउन हो जाएगा. नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है. रिलेटिव की विशेषता बताई इसने कि कैसा रिश्तेदार है, वो दूर का रिश्तेदार है. तो ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव. मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी. ऐसे ही अगर आप कहते हो कि मुझे भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग हंग्री. सेंटेंस बोला जाएगा आई एम फीलिंग हंग्री. तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे? सो अगर आप किसी की प्रायोरिटी को जानना चाहते हो, किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, तो हम वुड लाइक वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे. वुड लाइक और लाइक के साथ टू आ जाएगा. टू के बाद में जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे. सो तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे? इट मीन्स आप सामने वाले को वो मूवी दिखाना चाहते हो, आप ऑफर कर रहे हो. सेंटेंस बनेगा विच. विच के जस्ट बाद आ जाएगा किसी भी आर्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. जो भी एंटिटी है आपके पास में, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच. इन द सेम टोन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सा गाना गाना पसंद करोगे, तो विच सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग. सेंटेंस सिंपल है. आप कौन सा गाना गाना पसंद करोगे? विच सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग. और आप कौन सी लैंग्वेज सीखना पसंद करोगे? विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू लर्न. तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें. मोस्ट मोस्ट के साथ आ जाएगा. तो तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? विच किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? सॉन्ग के बारे में. तो विच सॉन्ग आ जाएगा. विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट. आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट. इन द सेम टोन अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच बाइक. सेंटेंस बनेगा विच बाइक यू लाइक द मोस्ट. सेम स्ट्रक्चर रहेगा. विच बाइक डू यू लाइक द मोस्ट. कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा पसंद है? विच स्कूल. और कौन सा आपको कार सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है? विच कार. मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है. पूरा करना है इट मीन्स उसकी मजबूरी है, करना है, जाना है, खाना है, पीना है, या फिर हम करना पड़ता है. अगर इसके ऐसे सेंस बनाते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मुझे ऐसा काम करना
पड़ता है, राइट। इट मींस अनविलिंगली, आपकी विलिंग नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर लाइक सेंटेंस है, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे पढ़ता पढ़ो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो माय ब्रदर, ब्रदर के लिए हैज आ जाएगा, माय ब्रदर हैज़ टू कम्प्लीट हिज वर्क। सो जब भी हम मजबूरी की बात करते हैं गाइज, वी ऑलवेज यूज हैव टू, या फिर थर्ड पर्सन की बात है तो थर्ड पर्सन के केस में हम यूज करते हैज़ टू। मेरा कोई भी मजबूरी का काम है तो मैं यूज करूंगा हैव टू, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, सेंटेंस बोला जाएगा, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मजबूरी के लिए। थर्ड पर्सन को करना पड़ता है तो सिंगुलर आ जाएगा, हैज टू, उसको जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। सो मेरे भाई को अपना काम पूरा करना पड़ता है, माई ब्रदर मजबूरी हैज टू कंप्लीट, किसका वर्क है, उसका वर्क है, हिज वर्क। मेरी माताजी को खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है, सेंटेंस सिंपल बनेगा, माय ब्रदर माय मदर, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हैज आ जाएगा, हैज के साथ में टू लगा दो, माय मदर हैज टू कुक द फूड। राम कब पढ़ता है, टाइम के बारे में जानना है, देन वेन का यूज करेंगे, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज कर लेंगे। वेन डज राम स्टडी, राम कब पढ़ता है, वेन डज राम स्टडी, राम कब खेलता है, वेन डज राम प्ले। तुमने सीता को कब देखा, टाइम से रिगार्डिंग, टाइम के बारे में पूछना चाहता हूँ तो वैन आ जाएगा, राइट। और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो तुमने सीता को कब देखा, वैन डिड यू सी सीता। मैं कल आपको फोन करूंगा, मैं कल आपको फोन करूंगा, फ्यूचर के बारे में बात है तो विल आ जाएगा, आई विल कॉल यू टुमोरो, आई विल कॉल यू टुमोरो। ऐसी बात नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज नथिंग लाइक दैट, मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट बिलीव, जैसे आप कहते हो कि मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, और वी कैन से आई डोंट अग्री। उसे बुखार है, ही हैज फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हमारे पास दो दुकानें हैं, वी हैव टू शॉप्स, हमारे पास दो दुकानें, वी हैव टू शॉप्स। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे, क्या हुआ, वट हैपन, वट्स द मैटर, क्या हुआ, वट हैपन, वट्स द मैटर, मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी, मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, यू हैव मैनी, काउंटेबल है तो मैनी आ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ में हम मच का यूज करते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारी है, यू हैव, यू के साथ हैव रहेगा, मैनी सारीज। हमें खाना बनाना पड़ा था, मजबूरी है यहाँ पे भी, पड़ा था, राइट। सो पास्ट की मजबूरी है तो हैव की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, हैड, आई, वी हैड टू कुक द फूड, वी हैड टू कुक द फूड। सोनिया को गीत गाना पड़ा था, यहाँ पे मजबूरी की बात है, मजबूरी के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं क्योंकि बात है यहाँ पे पास्ट की, पास्ट के लिए हैड टू आ जाएगा, सोनिया हैड टू सिंग अ सॉन्ग। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा, इधर भी मजबूरी की बात है, पड़ा था, सो माई फादर या फादर हैड टू गो टू दिल्ली। मैं भी साथ चलूँ, मे आई अकम्पनी यू, मैं भी साथ चलूँ, मे आई अकम्पनी यू, शेल आई अकम्पनी, दोनों ही सेंस हम यूज कर सकते हैं, मे आई अकम्पनी यू और शेल आई अकम्पनी यू। क्या रवि आ रहा है, इज रवि कमिंग, क्या रवि आ रहा है, इज रवि कमिंग। हालांकि मैं सोच रहा था, दो आई वॉज थिंकिंग, और वी कैन से ऑल दो आई वॉज थिंकिंग, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव के लिए हम देन का यूज करते हैं, नथिंग कुड बी, कुछ नहीं इससे बेटर हो सकता है, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का यूज कर लेते हैं, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। हमें स्कूटर ठीक कराना पड़ा था, इट मीन्स मजबूरी है, राइट। सो मजबूरी के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे, पास्ट की बात है, वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, यू हैड टू कम, पास्ट की मजबूरी है, यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, समझ गए, अंडरस्टूड या गॉट यू, और वी कैन से हैव यू अंडरस्टूड, ऐसा ही बोला जा सकता हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। क्या राम अंदर है, इज राम इन,
इस बात को अपने तक ही रखना, कीप इट टू योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ। राम को यहां आना है, राम हैज टू कम हेयर, राम को यहां आना है, राम हैज टू कम हेयर। मुझे कपड़े धोने हैं, मजबूरी के लिए मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। वैसे अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हो, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ये ज्यादा बेटर सेंस लेके आता है, पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, सो आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। आपका भाई कहाँ काम करता है, प्लेस के बारे में जानना है, प्लेस के लिए वर्ब वेयर आ जाएगा, कहाँ के लिए वेयर का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वेयर डज योर ब्रदर वॉक। आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। क्या झगड़ा है, व्हाट्स द कंफ्लिक्ट, व्हाट्स द डिस्प्यूट, और व्हाट्स द मैटर, बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द कंफ्लिक्ट, व्हाट्स द डिस्प्यूट। वो अभी अभी गया है, अभी अभी गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि जस्ट आ गया, यहाँ पे ही हैज जस्ट गॉन सेंटेंस बोला जाएगा, वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन। रवि के पास बड़ा घर है, तो कोई भी चीज अगर आपके पास है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट, हैव या हैज। रवि है, रवि थर्ड पर्सन है तो हैज आ जाएगा, रवि हैज अ ह्यूज हाउस, रवि हैज अ बिग हाउस। कपिल के दो भाई है, कपिल हैज टू ब्रदर्स, कपिल हैज टू ब्रदर्स। तुम कल कहाँ जाओगी, वेयर विल यू गो टुमारो, टुमारो कल के लिए आ जाएगा, और कहाँ जाओगी, कहाँ के लिए वेयर का यूज आएगा, और फ्यूचर से रिलेटेड पूछ रहे हैं हम, इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वेयर विल यू गो टुमारो सेंटेंस बनेगा, वेयर विल यू गो टुमारो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, व्हाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, Why do you talk such nonsense? So friends, it was all about the session and I hope कि हमने काफ़ी इससे प्रैक्टिस किया है। Now you have to do one thing, आपको एक काम करना है, आप वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए और पॉज कीजिए और सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बिकॉज जब तक आप इसको रिपीट नहीं करोगे तब तक इस सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है, बिकॉज थिंग इज दैट कि हमारी जो टंग है उसको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, सो उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए वी हैव टू रिपीट, वी हैव टू रिपीट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। जो पर्टिकुलर हमारा सेशन है, इस सेशन को आप रिपीट करोगे, वीडियो को रिपीट करोगे, रिप्ले करोगे। थैंक यू वेरी मच।